जी हाँ बिल्कुल, ये एक फैमिली एंटरटेनर है। आप पूरी फैमिली के साथ मेरी पिक्चर हम बाजा बजा देंगे देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैंने इसमें आइटम नंबर किया है, आई एम वेयरिंग अ गाउन एंड इट्स वेरी सेंशुअस, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी मिस्टिकल। सो इट्स नॉट एट ऑल लाइक द रन ऑफ द मिल आइटम नंबर्स वेयर एवरीबडी शेडिंग द क्लोथ्स एंड थ्रस्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इट्स डन इन अ वेरी एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, यू नो, जैज, टंग इन द चीक काइंड ऑफ अ मैनर। सो आई होप यू लाइक इट, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया इस गाने को शूट करने में और बहुत मेहनत की है हमने। सो आई होप दैट वी रीप द फ्रूट्स ऑफ अ हार्ड वर्क। जी ये गाना एक जैज गाने की तरह है। इट्स वेरी जैज एंड नाइस एंड इट्स फील, इट्स द काइंड ऑफ अ सॉन्ग दैट ग्रोज ऑन यू, यू नो। उसे आप दो तीन बार सुनेंगे फिर आपको उसे सुनना ही पड़ेगा, बिकॉज यू गेट एडिक्टेड। तो अलग किस्म का गाना है ना, इसमें रॉन्ची लिरिक्स हैं, पर इसमें जो मूड है इतना एडिक्टिव है कि आदमी उसे बार बार सुनना चाहेगा। वेल, एज फार एज बिग बॉस सीजन 6 इज कंसर्न, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्वीट्स एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स एंड अ लॉट ऑफ मैसेजेस। वी मिस यू ऑन बिग बॉस सीजन 6, वी मिस यू, वी मिस यू। एंड आई एम वेरी हम्बल्ड, आई एम वेरी टच्ड दैट पीपल आर एक्चुअली मिसिंग मी। उन्होंने इनफैक्ट ट्विटर पे एक स्लोगन सा बना लिया है, #, वी वॉन्ट PM बैक। So I'm very touched by the love that my fans, friends and well-wishers are bestowing me with, and I hope to meet the contestants in the grand finale. Wild card se agar entry hoti hai puja ustad, sab kya jana chahiye? Well, I'd love to go back in there as a wild card entry, ek do din ke liye wahan par jaake thodi masti karke aane mein. I think it's going to be quite a ride, quite a joy ride.